आप लोगों ने देखा टास की प्रक्रिया को संपन्न कराते हुए दोनों अंपायर आशीष टास विनर के बीच में चल करपिया टास जीता है सेमीफाइनल मैच और क्षेत्र रक्षण करने का प्रयास किया फैसला किया है गाइस फर्स्ट रेड आएगा डोंगरगढ़ की तरफ से तो पूरा क्राउड देखने के लिए लड़ाई था कि अगला सेमीफाइनलिस्ट कौन होगा करपिया विरुद्ध में डोंगरगढ़ खेल रही है सामने अगेंस्ट करपिया का और शुभम के ऊपर हाथ फेरा शुभम जाएंगे बाहर और पहले रेड में खाता खोला डोंगरगढ़ आई एम मिसाइल रॉकेट अरे करपिया ने रॉकेट लॉन्च किया है और भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया था जो चंद्रमा पर जाकर लैंड किया और करपिया ने मिसाइल लॉन्च किया है जो डोंगरगढ़ के मैदान पर लैंड कर रही है तो आसान नहीं होगा रास्ता सफर तय करना दोनों टीमों के लिए तो अपने होम लेग पर खेल रही होम ग्राउंड पर खेल रही है करपिया तो इनका एडवांटेज करपिया के लिए बहुत ज्यादा है दर्शकों का समर्थन बहुत है द ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच का पहला पड़ाव बोनस का टाइम किया लेफ्ट कॉर्नर पर और थम्बप का इशारा आया मिला है बोनस ये आया सबका रोल मॉडल सबका हीरो भाई जंगल शांत है तो ये ना समझना जंगल में शेर नहीं होगा शेर है शेर निकलता है तो शिकार कर जाता है और किया बप्पा शेर शिकार जा दुर्गेश की तरफ जाना मतलब शेर के जबड़े पे पैर घुसाने के बराबर है दूर दूर तक लोग बोलते हैं भाई ठीक से खेलना वरना दुर्गेश आ जाएगा सोने का डायलॉग है तो कबड्डी में आ गया है ये दूर दूर तक लोग बोलते हैं भाई ठीक से खेलना वरना वरना दुर्गेश आ जाएगा तो पहला ये था मैटर कि भाई खगेश आ जाएगा बफर से वही था पहले खाता खुला है दोनों तरफ से करपिया तीन दो तो एक हमारे मेहमान टीम है तो दूसरा हमारे होम ग्राउंड का टीम है करपिया का इरादा बदल कर फिर से दुर्गेश की तरफ जाने का प्रयास किया था लेकिन खगेश के जो पक्ष है राइट कॉर्नर वहां पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं रेडर क्योंकि दुर्गेश की तरफ जाना खतरों से खाली नहीं है और हाथ फेरा है लंबे स्टैंड के साथ खिलाड़ी जाएंगे बाहर इतना सारा मैच खेले हो लेकिन निकलना किधर से है इसको अभी तक फॉलो नहीं किया है खिलाड़ी उत्तेजित हो जाते हैं दो टच हुआ गब्बर जाएंगे बाहर रिवाइवल की जरूरत है और चार के डिफेंस में तो इसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं लगता है ये जब चलते हैं तो सारे चीजों को खारिज कर देते हैं एकदम पूरी तरीके से अपने पक्ष में मोड़ देते हैं पूरा छत्तीसगढ़ का रोल मॉडल है और डीप जाकर अटेम्प्ट किया है घायल शेर के माफी का आक्रमण करता है ये वो फुटवर्क वो स्किल इनके पास है जो सारे चीजों को अपने तरफ मोड़ देती है और जब तक ये शख्सियत ये शख्स और डोंगरगढ़ को बोनस मिला है बोनस के साथ चार चार के बराबरी पर और वीरेंद्र कुशराम छत्तीसगढ़ की तरफ से नेतृत्व किया था छत्तीसगढ़ टीम का कैप्टन किया खड़े कप्तानी की थी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए तो चार के डिफेंस में बोनस नहीं मिलता है वरना बोनस कर जाते तो टच पॉइंट के लिए जाना होगा तो टच पॉइंट जब चाहेंगे वहां से प्राप्त कर सकते हैं ऐसा इनका मानना है
तो खाली है खगेश की जगह पर, एक बार गणेश मौजूद है राइट कॉर्नर पर, तो हवाई फायर किया जाएंगे बाहर। और ये डू ऑर डाई का रेड है, तो खतरा मंडराया है, रिवाइवल है, पांच खिलाड़ियों की भरमार है। मिला समझ नहीं आता भाई इसके लिए मैं क्या बोलूं। ये जब चलते हैं तो मानो मिसाइल दाग दिया हो, तोप के गोले दाग दिए हो कर पिहा वालों ने डोंगरगढ़ के ऊपर। दो धारी तलवार है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, और जिन्होंने यूपी योद्धा के लिए नेतृत्व किया है छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रथम खिलाड़ी के रूप में, सबका रोल मॉडल बन गए हैं। नंबर तीन और हितेश पटेल करके आया था जो पहला खिलाड़ी बने थे, लेकिन जो नाम इन्होंने कमाया वो आज तक किसी ने नहीं कमा सका, और इनके हाथ से कोई नहीं बचेगा। बहुत बड़ा हाथ है इनका, बोलते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं लेकिन यहाँ दुर्गेश के हाथ लंबे हैं, बहुत लंबे हैं। तो इनकी संघर्ष की कहानी इतनी बड़ी है कि मैं क्या बताऊं। करपिहा में एक बस तक का नहीं चलता, लेकिन इस जगह से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति के प्रदर्शन करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। मैराथन रेड पर वन मैन आर्मी, तो पूरे टीम के बराबर अकेले चलते हैं ये मैराथन रन करते हैं हर बार, और सुपर टेक लाल हो गई है। ये लायन जंप मंत्र मुग्ध गिर दिया, समा बांध कर रख दिया है मैदान के चारों दिशाओं में। और डू आउट आई राइट, सम्मा जलते रहेंगे परवाने के इंतजार में। तो सुपर टेकल और है यहां पर, सब्स्टिट्यूशन का मामला है, खिलाड़ी की अदला बदली, फिर वही खिलाड़ी। ये जब तक उखाड़ नहीं लेंगे तब तक सांस लेने वाले नहीं है, दम लेने वाले नहीं है। होगा चारों खाने चित होगा, द ग्रेट फिनाले फाइनल की ओर बढ़ने के लिए सर पे कफन बांधकर निकला है खिलाड़ी। टेन नंबर आउट और सिक्स नंबर का इन हुआ है। अपने होम लेग पर जब खेलती है, होम ग्राउंड पर खेलती है, तो कोई भी टीम हो आग उगलती है, आग आग उगलती है। तो इतना बेहतरीन प्रदर्शन कि मैं क्या कहूं इनके बारे में। लायन जंप, ये एक बार पकड़ में आ जाए तो समझ लेना दुनिया की सात अजूबे में आठवें अजूबे हो गया। सात अजूबे उस दुनिया में, आठवें में इनकी जोड़ी, किसी की तोड़े टूटेगी नहीं धर्मवीर की जोड़ी। तो भाई दोनों भाई की जोड़ी बहुत ही तगड़ी है, ऑल इन हो गया है। और ये भी है करपिहे की खजाने का नायाब हीरा वीरेंद्र खुशराम, दवनपुर में इसका मामा गांव भी है ऐसा लगा मुझे है। इनके अगेंस्ट बहुत मुश्किल होगा। टू पॉइंट
ऑफिशियल टाइम यहाँ पर खिलाड़ी थोड़ा इंजूरियस महसूस कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी की जरूरत है। तो करपिहर है मैदान के चारों ओर समा बांध कर रखा है और मंत्रमुग्ध हो गए हैं सारे खिलाड़ी देख करके इनके प्रदर्शन को। सारे क्राउड दांतों तले उंगली चबाने के लिए मजबूर हो गए हैं, पूरे क्राउड के दर्शक जनता जनार्दन। तो बोनस प्राप्त किया है। तो वीरेंद्र के लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा भाई, कि इश्क जिनको है वतन से, इश्क है जिनको वतन से, खुद को मिटाते रहेंगे, सम्मा महफिल को शमा महफिल में चलती रहेगी और परवाने आते रहेंगे इनके लिए। नंबर चार की जर्सी पर 14-7 के मुकाबले दो गोल हो गए हैं। हेलो हेलो हेलो, ये बालिका टीम मैच कैंसिल हो गया है क्योंकि हमारे मैदान पे होश गिर रहा है, उसी का फाइनल कराया जाएगा। इसमें सीधा सीधा फाइनल होगा, बालिका टीम नहीं उतरेगी। इस मैच के बाद सीधा फाइनल होगा। वीरेंद्र अकबर फिर आक्रमण पर और करपिया को एक टच पॉइंट मिला है। 15-8 के मुकाबले हो चले हैं। तो अपने सारे तरकस के सारे हथियार इस्तेमाल किया है डोंगरगढ़ अगेंस्ट करपिया के, सभी फैन हो जाते हैं। पकड़ा, बिल्कुल वहीं पर अस्त व्यस्त कर दिया, घुमा कर रख दिया चक्रवाती तूफान के माफिक। वो बड़ोरा उठते नहीं गर्मी घनी फर ले गोलवा। गर्मी के दिनों में उठने वाली जो राउंडा तूफान है बिल्कुल उसी की तरीके से यहाँ पर दो अंक की फिर प्राप्ति हुई है। तो अगेंस्ट सारे हथियार काम नहीं कर रहे इनके अगेंस्ट में करपिहा का। इनके जबड़े में जाएगी तो बिल्कुल घाया हो जाएंगे खिलाड़ी। तो भाई देख लो अपने आप को, थोड़ा सोचो यार, खतरे पे मत जाओ ज्यादा, लेकिन बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ी मैं कहूंगा। किसको आउट किया है? दुर्गेश को, आपके रोल मॉडल को, आपके हीरो को आउट किया। टाटा बाय बाय खत्म। इन्होंने फिर कारनामा कर दिया, सामने वाले को फिर बुलाया कोर्ट के अंदर। रिवाइवल हो गया, एक सिर गया तो दूसरा सिर आया। नंबर 8, आप इतने सारे मैचेस खेले हैं, दुनिया भर में जाके परचम लहराए, लेकिन आपको बोलना पड़ता है, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। आपको बोलना पड़ता है बाहर निकलने के लिए, जबकि अनुशासन कहता है तक से लगा, आप तक से बाहर आए। 91 सही नहीं है इस मामले में अगर देखा जाए तो खिलाड़ियों की, चाहे वो करपिहा का हो चाहे किसी और की बात हो, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर अपने होम लेग पर इस टेप का प्रदर्शन करना बिल्कुल सही नहीं है मैं कहूंगा। और खजाने का दो अनमोल रतन बाहर जाते हुए सुपर रेड हो गया।
लोना होते होते रह जाता है, लेकिन इस खिलाड़ी जब तक रहता है तो सारे चीज बदल जाती है समीकरण। लगा जो भी खिलाड़ी करपिया के खिलाड़ी से टकराता है तो मानो ऐसा लगता है कि भैया आप पहाड़ से टकरा गए हैं, इतना सशक्त हो गया है इनका टीम। पता नहीं क्या डिनर करते हैं, क्या नाश्ता करते हैं यही लोग, जाने भाई बाहर अनबैलेंस हो गया बड़ा खिलाड़ी। ऑफिशियल टाइम आउट, टफ मुकाबला है, मुकाबला टफ है। तो बिल्कुल वीरेंद्र जब तक कोर्ट के अंदर है तो ऐसा होने नहीं देगा वो। लंबे इनका भी हाथ लंबे हैं, वीरेंद्र का हाथ भी लंबा है, यह भी लंबी स्ट्रेंथ के साथ टच पॉइंट के लिए जाता है, टच करता है। पांच की डिफेंस है, बोनस नहीं मिलेगा, बोनस का कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पे, तो टच पॉइंट के लिए जाना होगा। टच पॉइंट के लिए हवाई फायर किया है, जाएंगे बाहर खगेश। तो बिल्कुल चरमरा सी गई है करपिया का डिफेंस, क्या करे क्या ना करे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर वीरेंद्र सर्वस्व झोंक देगा। टच किया, खिलाड़ी आएंगे बाहर, रिवाइवल एंड गेंद प्रकार दबदबा कायम रहेगा तो करपिया के ही दबदबा कायम रहेगा। और सामने वाले टीम के लिए इतना आसान रास्ता नहीं है, इतना आसान नहीं होगा करपिया के विरुद्ध में सफर तय कर पाना। 22-17 के मुकाबले अभी भी बढ़त पर चल रही है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है अभी निपट गया और टच प्राप्त कर लिया है, डिफेंडर आउट। खिलाड़ी इतने देर से खेल रहे लेकिन करते क्या है, अपने आप को किधर से निकालना ये समझ नहीं आता है, बड़े मैच का खिलाड़ी है और यही लोग तो खेलते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन निकलना किधर से भूल जाते हैं। अब है जाएंगे बाहर, चेस्ट नंबर 10 फिर वापसी हुई है, तो काफी देर से दुर्गेश के हाथ लंबे हैं, लंबे हैं। तो निर्णायक मुकाबलों में निखर कर आते हैं करपिया हमेशा, प्रेशर को बखूबी रिलीज करती है, अपने ऊपर से हटाती है। द ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच में कैसा खेलना इससे बेहतर कौन जान सकता है, बताइए आप। बोनस प्राप्त किया है, गेम को खेल जो है खिला नहीं रहे करपिया, खेल को अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, आप गौर से देखिए पता चल जाएगा, खिला रहे हैं बिल्कुल। करपिया 1 पॉइंट, तो छत्तीसगढ़ का सारे रिकॉर्ड इनके नाम पे है, ऐसा कोई मैच नहीं जाता जिन पे सुपर 10 नहीं लगाता हो, जिसमें टेकल नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं है, करता है हर मैच है इनके नाम पे। अपने आप को नहीं बचा पाया खिलाड़ी, गलती होना प्रकृति है और उसको सुधार लेने में ही, और उसको सुधारना संस्कृति है, जो सुधार लिया उसका उन्नति है। तो सुपर टेक और आन है दो खिलाड़ी कोर्ट के अंदर और दोनों खिलाड़ी
अंतिम खिलाड़ी के रूप में, अंतिम खिलाड़ी के रूप में इसको टैकल किया भोला मार्को, जहां कहीं फिर भोला मार्को, इसको पकड़ लिया तो लाइफ झींगा लाला, इसको पकड़ा तो लाइफ झींगा लाला, इसको पकड़ डाला तो लाइफ झींगा लाला। ये जाएगा रिवाइवल, टच पॉइंट हासिल किया है। सबसे होनहार खिलाड़ी जिसके अंदर प्रतिभा है भोला मार्को, अंतिम भोला मार्को, डिफेंडर की मेहनत, डिफेंडर मेहनत पर पानी फेर जाते हैं दुर्गेश का, या फिर गलती हो गया बमियारा। काफी देर से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये ऐसा होने नहीं देगा जब तक ये कोर्ट के अंदर है। उधर से निकल, 28-25 के मुकाबले, और जैसे ही लॉकडाउन लगेगा बढ़त पर चली जाएगी कर्फ्यू। मैच को खिला रहे हैं कर्फ्यू वाले, खिला रहे हैं। के मुकाबले 29-26 के मुकाबले इस मैच को कर्फ्यू ने अपने नाम किया है, और द ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच में प्रवेश कर लिया है। ठोको ताली एक बार। अब आप सभी लोग इंतजार करिए, 31,000 रुपए चमचमाती हुई ट्रॉफी 24